बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक्टिविटी आपकी समझ में आ जाती है तो एक्सरसाइज 6.2 आप खुद ब खुद कर सकते हैं। मेरी किसी हेल्प की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ओके, तो ये एक्टिविटी बहुत ध्यान से सुन लो, समझ लो, देख लो। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है ड्रॉ एनी एंगल एक्स ए वाई। ठीक है, तो ये काम तो कोई भी बच्चा कर ही सकता है। एक्स ए वाई का मतलब ये है कि ए से एक एंगल बना, एक रे बनानी है ए एक्स। ओके, और ए से फिर दूसरी एक रे बनानी है ए वाई। ये देखिए बन गया एंगल एक्स ए वाई। एंड ऑन इट्स वन आर्म ए एक्स मार्क पॉइंट्स पी Q, D, R एंड B। तो ये भी आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो P, Q, D, R और B, ये पॉइंट मार्क कर लिए, बिल्कुल आसान है। आगे लिखा है सच दैट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी और क्यू डी इज इक्वल टू डी आर और डी आर इज इक्वल टू आर बी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। समझ आया? मतलब पी क्यू और क्यू डी और डी आर और आर बी, इनकी जो डिस्टेंस है वो बस सेम रखें। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? नॉट थ्रू बी ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई एट सी। अब क्योंकि कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बी से आप यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, जहां आपका दिल करे वहां ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं जो फिगर में है बीसी। ठीक है, ओके। आगे देखो क्या लिखा है, ऑल्सो थ्रू द पॉइंट डी। अब हमने दूसरा पॉइंट लिया डी और ये पॉइंट है हमारा डी। अब इससे क्या करना है? इससे हमें ये करना है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी टू इंटरसेक्ट ए सी एट ई। तो जो पहली लाइन थी बीसी उसमें तो आप फ्री थे, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई आपने ऐसे ही रखनी है या ऐसे रखनी है या ऐसे रखनी है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन अब एक कंडीशन है कि जब आप डी से ड्रॉ करेंगे तो डी से जो ड्रॉ करेंगे वो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैरेलल ही कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो जब आप ये पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे तो ये लाइन भी एसी को कहीं ना कहीं कट करेगी। एसी को नहीं, ए वाई को, ए वाई को कहीं ना कहीं कट करेगी। और इस तरीके से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ई। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया ई जब हमने बी से एक लाइन ड्रॉ की और जहां भी कट किया वो पॉइंट हो गया ई। ठीक है, यहां क्लियर है। इसके बाद है डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर कंस्ट्रक्शन दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ए डी जो है वो थ्री पोर्शंस हैं इक्वल डिस्टेंस के, 1, 2 और 3। ये थ्री, और जो डी बी जो है वो दो पोर्शन है, 1 और 2, क्योंकि हमने ए पी बी क्यू डी आर और आर बी सारे इक्वल ही ले रखे हैं ना, इसलिए ई डी अपॉन डी बी हो गया 3/3। नाउ मेजर ए एंड ई सी। व्हाट अबाउट ए अपॉन ई सी? ऑब्जर्व दैट ए अपॉन ई सी इज ऑल्सो इक्वल टू 3/2। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जब आप मेजर करेंगे ए अपॉन ई सी तो वो भी आपका 3/2 ही आएगा। ठीक है, ओके, ये क्या है 3/2 यहाँ पे क्या है? रेशियो है। ओके, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल लेंथ ए और ई सी की डिफर आए, बट जब आप उसे ए अपॉन ई सी करके रिड्यूस करेंगे तो आपकी जो फ्रैक्शन आएगी वो सेम आएगी 3/2 जितना। ठीक है, एंड थस यू कैन सी दैट इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि
इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी एंड एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, इट इज इट अ कोइंसिडेंस? नो, इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग थ्योरम। क्या थ्योरम है? थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी। और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसमें यही थ्योरम यूज होगी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये कैसे काम करती है? ये ऐसे काम करती है कि जब भी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, कोई भी ट्राइंगल, कैसे भी ट्राइंगल हो, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, इसको एक नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हो गया ए, बी और सी। ठीक है, और अब अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं ए बी पे, मान लो ये पॉइंट हमने लिया, और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बी सी के पैरेलल है और ए सी को कहीं भी इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए नाम हो गया इसका डी और ई, तो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन इसी, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखें, आगे देखते हैं। तो बच्चों जो अभी हमने बीपीटी सीखी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, ऑन द ऑन दैट बेसिस वी कैन आल्सो से, यहाँ आप थियरम 6 देख सकते हैं, तो ये उसी का एक फॉर्म आप कह सकते हैं। क्या लिखा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये वही है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब ये हुआ, देखो अगर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करनी है एक साइड की, वो एक तो आप ऐसे करनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है जिससे कि वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाए हमें। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही पॉइंट से आपने कर, ये देखो ये एक ही पॉइंट से कर, तो ये नहीं कर सकते आप। इसका मतलब ये है कि इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम सेम रेशियो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो साइड्स हैं आपकी, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो। ओके, तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें, जो ट्राइंगल हमें गिवन है, तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि एबीसी ट्राइंगल है और बीसी के पैरेलल एक लाइन है डीई, और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये कंडीशन बनेगी ही बनेगी कि एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो एडी और अपॉन डीवी जब आप करेंगे, ठीक है, तो एई और अपॉन ईसी आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है बच्चों एक और थ्योरम, वो भी स्टडी करते हैं। तो ये है वो थ्योरम, दैट इज 6.2। तो थ्योरम 6.2 बेसिकली 6.1 का कन्वर्स है। देखो क्या लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि ये कंडीशन हमें गिवन होगी कि
ओके और इस कंडीशन के बेसिस पे हम ये लिख पाएंगे कि जो DE है, जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC, ओके DE पैरेलल टू BC। पिछले वाले में क्या था कि DE पैरेलल टू BC गिवन था और हम लिख पा रहे थे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। तो ये दोनों थियरम्स हैं, थियरम 6.1 एंड थियरम 6.2, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, इनको रट लेना ढंग से, ठीक है ना। तो हमारे टीचर्स भी यही वर्ड्स यूज करते थे कि रटो, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि रटो उनको। अगर ये दोनों थ्योरम आपने रट ली, आपको अच्छे से आ गई और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा, तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगी। ओके चलो फिर करें 6.2 स्टार्ट। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर है 1। लिखा है कि इन फिगर 6.17, ओके तो ये जो नीचे फिगर बनी हुई है 6.17, इसके फर्स्ट वाले को देखना है, ठीक है, और सेकंड वाले को भी देखना है, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड, ठीक है। तो अब क्योंकि उन्होंने हमें बोल ही दिया है कि भाई DE पैरेलल टू BC, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि देखो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, स्पेस बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ इस स्पेस में लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि सिंस सिंस और DE पैरेलल टू BC, ठीक है, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.1 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1 और EC कितना है वो तो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.5 EC इज इक्वल टू 3, और जब EC निकालेंगे आप तो 3 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो 1.5 में एक पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं और 15 होते हैं और 15 30, तो इस तरीके से EC आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, समझा। ओके इसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन 2 में भी सेम ही काम करना है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो एवरीथिंग इज सेम, तो बस अपने स्टेप्स को आपने एक बार रिपीट करना है। तो चलिए रिपीट कर देते हैं स्टेप्स को, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि सिंस DE पैरेलल टू BC, ठीक है, इसके बाद देयरफॉर थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी,
दिस इज बाय बाय थ्योरम 6.1, ठीक है, ये वाली थ्योरम भी ना, बाय थ्योरम 6.1 क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी। हमें फाइंड करना है एडी, डी बी हमें दे ही रखा है तो ये 7.2 हो जाएगा, ए ही हमें दे ही रखा है 1.8 और ई सी हमें दे रखा है 5.4, ठीक है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एडी के लिए आपने एडी तो निकालना ही है ना, तो क्योंकि एडी निकालना है तो सिर्फ इसको इधर ले जाओ, इसको 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एडी इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 और मल्टीप्लाई बाई 7.2, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि ये पॉइंट हटा देते हैं तो 18 की टेबल में 54 आता है क्या, 18 की टेबल में 54 आई थिंक 3 जा होता है, 18 3 जा 54, ओके 18 3 जा हो गया 54। अगर 18 की टेबल नहीं आती तो दो स्टेप में होगा ये काम, क्योंकि तो फिर आप 9 की टेबल से करेंगे तो 9 2 जा 18 करेंगे पहले आप, और नीचे फिर 9 6 जा 54 करेंगे और फिर जाके 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 करेंगे, ठीक है। और जब 3 आ जाएगा आपका तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और पॉइंट और 3 4 जा 12, तो इस तरीके से 2.4 आ गया आंसर। तो हम यहाँ 2.4 लिख देंगे, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि भाई ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पॉइंट नजर आया आपको, ओके। तो पॉइंट नजर नहीं आ रहे क्योंकि ट्राइंगल जो है वो बना नहीं है, ये जो ट्राइंगल बनाया है इन्होंने ये ट्राइंगल इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, इससे अगले वाले क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए हमें फिगर खुद ही बनानी पड़ेगी, ओके। तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं, तो ओके तो पी क्यू आर बनाना पड़ेगा, पी क्यू आर बनाते हैं पहले, ये देखिए ये बन गया हमारा पी क्यू आर, ठीक है। और इसमें ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, ओके, तो पहले पी क्यू लिख देते हैं, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा पी और ये हो गया हमारा क्यू और ये हो गया हमारा आर, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, तो ई पे है पी, ई जो है वो पी क्यू पे है और एफ जो है वो पी आर पे है, क्लियर। For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. हमें ये बताना है कि EF parallel to QR, कि जो EF है वो QR के parallel है या नहीं है। तो देखो ये तो हम theorem 6.2 के basis पे ही बता पाएंगे, और 6.2 क्या कहती है, 6.2 ये कहती है कि अगर हमारी sides proportion में हैं, अगर हमारी साइड्स यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू BF अपॉन FR तभी ये पॉसिबल है, तो करके देखना।
तो पहले केस में क्या है PE, तो PE क्या है ये देखो, PE PE अपॉन EQ। तो पहले केस में PE है 3.9, तो 3.9 लिख दिया से, और EQ है 3, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.3। तो यानी कितना आ गया ये 1.3 अपॉन 1 PE अपॉन EQ। अब चेक करेंगे PF अपॉन FR, तो PF अपॉन FR, अगर ये भी हमारा 1.3 अपॉन 1 आया तो हम इसे यस कर देंगे कि EF पैरेलल टू QR, और अगर नहीं आया तो हम नो कर देंगे। तो PF है यहाँ 3.6, तो इसको 3.6 लिख देते हैं, और एफ आर है हमारा 2.2, तो इसको 2.2 लिख देते हैं, है ना, पॉइंट से पॉइंट फिट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ 12 2 24 और 12 3 36। आप देख सकते हैं कि ये सेम रेशो में नहीं है, यानी कि पी अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इस केस में क्या आएगा नो, यानी कि पहले वाले केस में आंसर होगा नो, कि भाई ई एफ इज नॉट पैरेलल टू पी आर। ऐसे सेकंड वाला केस आपको ट्राई करना है। जब आप सेकंड वाला केस ट्राई करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाले केस के लिए आपने सेम स्टेप फॉलो करना है, कोई नया काम नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आप पी लिखेंगे, तो पी कितना है 4, और उसके बाद लिखेंगे EQ, EQ कितना है, EQ है हमारा 4.5, 4.5 लिख देते हैं। इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं, जीरो कर देते हैं, तो 5.8 जब 40 हो जाएगा और 5.9 जब 45 हो जाएगा, तो 8/9 आ गया इसका, है ना। और देखो पी एफ और आर एफ तो पहले से 8/9 है, तो इस केस में क्या होगा यस, तो इस केस में आप यस कर देंगे, यस पी अपॉन ई क्यू ना सॉरी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कब, जब पी 4 है और क्यू 4.5, और पी एफ 8 है और आर एफ 9। अब लास्ट वाला केस ऐसे किया जा सकता है, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो सेम रेशो में है या नहीं है। तो सेम रेशो में है या नहीं है तो चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं पीई, अच्छा पी तो दे ही नहीं रखा, इस बार तो पी क्यू दे रखा है, ओके ओके पी क्यू दे रखा है, यानी कि पूरी साइड दे रखी है पी क्यू, है, और पी आर भी पूरी साइड दे रखी है, अच्छा पीई, अच्छा पीई यहाँ दे रखा है, ओके तो पीई हो गया 0.18, और क्या चाहिए, क्यू ई नहीं दे रखा, तो अगर क्यू ई नहीं दे रखा पी क्यू दे रखा है, तो पी क्यू में से पी ई माइनस कर लेते हैं, तो जब पी क्यू में से पी ई माइनस करेंगे तो ई क्यू आ जाएगा अपने, है ना। तो माइनस करने के लिए कहाँ पे करें, माइनस यहाँ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ स्पेस है, तो देखो 1 पॉइंट और 2.8 में से माइनस करते हैं 0.18, 0.18, तो ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.10, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो 2 से तो चला ही जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 5 और 5, तो ये आ गया 9/55। ऐसे दूसरे केस में पी एफ हमें 0.36 दे रखा है, एफ आर हमें दे नहीं रखा, तो पी एफ माइनस करना पड़ेगा पी आर में से, पी आर है हमारे पास 2.5 और 6, इसमें से 0.36 माइनस कर देते हैं, क्या बचेगा,
जीरो और 5 माइनस 3 गए तो 2 और कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.20, 2.20। तो डेसिमल तो इसके भी कट सकते हैं, 4 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 4 9 जा 36 होता है और 4 5 जा 20 तो बचा और 4 5 जा 20 तो देखो ये भी 9/55 ही आ जाएगा, यानी कि इसके में इस केस में जो हम क्या लिखेंगे, यस ओके। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर, देखो ये जो फिगर बनी है वो इसकी है, क्वेश्चन नंबर 3 की है ना, तो इससे हम स्क्रॉल अप नहीं कर सकते, नहीं तो फिगर नहीं दिखेगी हमें। तो इन फिगर 6.18, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, देखो मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा नहीं रेड से करते हैं जिससे कि आपको साफ साफ नजर आए। एल एम पैरेलल टू बी सी ये दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दे रखा है ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि भाई ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो इसमें हम जो थ्योरम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 6.1, क्लियर। तो पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो ये आ गया हमारा स्पेस। ओके इतना स्पेस काफी है, तो शुरुआत में आप लिखेंगे कि भाई सिंस एल एम पैरेलल टू सी बी ठीक है, देयरफॉर ए एम, या पहले ट्राइंगल भी मेंशन कर देते हैं, ट्राइंगल भी मेंशन कर देते हैं क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कौन से ट्राइंगल में आप काम करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और तो ए बी सी में हमें दे रखा है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, तो इसलिए देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, क्लियर। रीजन क्या होगा, रीजन होगा बाय थ्योरम 6.1 ठीक है, तो इसका रीजन होगा बाय थ्योरम 6.1, तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ठीक है ओके। इसके बाद इस ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसको एक नाम दे देते हैं, मतलब नंबर दे देते हैं, तो इसको नंबर दे देते हैं दिस इज थ्योरम 1, और थ्योरम 1 नहीं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गई ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, तो दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी और सी, अब इसमें क्या गिवन है, मैं सिंस LN parallel to CD, LN parallel to CD, so therefore क्या बनेगा, ये बनेगा AN upon NB is equal to AL upon LC ठीक है। रीजन में क्या डालेंगे, रीजन में ये बाय थ्योरम 6.1, और इसके बाद इसे नाम दे देते हैं, नाम या नंबर सेकंड इक्वेशन ओके। और इसके बाद
आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, थोड़ी सी और स्पेस की जरूरत है, तो वो स्पेस कहाँ बनाए। चलो ये फिगर की तो हमें कोई जरूरत रही नहीं, इस फिगर का काम हो गया, तो यहीं से थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं। यस, तो इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बाई, ठीक है, या यूजिंग, यूजिंग यूजिंग इक्वेशन, तो आप लिख देते हैं EQ डॉट, ठीक है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो जब आप इक्वेशन वन एंड टू को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो राइट हैंड साइड है वो है ए एल अपॉन एल सी, दिस इज ए एल अपॉन एल सी, ओके, और ये भी आपकी ए एल अपॉन एल सी है, नजर आ रहा है, दिस इज ए एल अपॉन एल सी एंड दिस इज ऑल्सो ए एल अपॉन एल सी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल बी, और ए एल अपॉन एल सी इक्वल है ए एन अपॉन एन बी के, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली इसके बराबर। तो ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्ट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट देंगे यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, और फिर डायरेक्ट लिख देंगे आप ए एन अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे कि सर ये तो वो नहीं आ रहा जो हमें प्रूफ करना था, बात तो ठीक है। तो अगर ये नहीं आ रहा तब हम क्या करेंगे, तब हम ये कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को, दोनों फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज साइन लगाओ और इसको लिख दो एम बी अपॉन ए एम और इक्वल टू एम डी अपॉन ए, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं ना, अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं तो उनको उल्टा करने के बाद भी वो इक्वल ही रहने वाली है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, और वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्या, वो स्टेटमेंट होगी बच्चों एडिंग वन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन थ्री। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसको हम थ्री नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऐड करने के लिए, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, क्लियर। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखो थोड़ा स्पेस और चाहिए, तो थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये देखिए एम बी और ए एम प्लस वन और एन डी ए एन प्लस वन। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ए एम और ऊपर आ जाएगा एम बी और प्लस ए एन, ए एन नहीं ए एम, ए एम, और इसी तरीके से दूसरी तरफ जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए एन और ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं
जो फिगर के हिसाब से, जो फिगर हमें ऊपर दे रखी थी ना, उस फिगर के हिसाब से AM और MB, ओके, वो हो जाएगा AB, क्योंकि AB के ऊपर ही एक पॉइंट दे रखा था M, तो ये पूरा हो जाएगा AB, इसे आप AB लिख देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ इसे आप लिख देंगे AD, तो फाइनली हमें मिल गया AB अपॉन AN इक्वल टू AD अपॉन AN, और ये जो फ्रैक्शन मिली है इसको वापस से उल्टा कर देंगे, ठीक है, इंप्लाइज का साइन डालो और इसे वापस से उल्टा करके लिख दो, यानी कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा याद रखना कि कौन सी थ्योरम यूज करनी है, कब उल्टा करना है, कब सीधा करना, तो ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, और ये याद तभी रहेंगी जब आप 2-3 बार अपने हाथ से कर दोगे, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा इसमें ना सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको नजर आएगा कि तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्योंकि दो ही थ्योरम दे रखे हैं हमें, तो या तो हम 6.1 यूज करेंगे या 6.2 यूज करेंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये ट्राइंगल है और इसमें लिखा है कि इन फिगर 6.9 DE पैरेलल टू AC, ठीक है, आपको नजर आ ही रहा होगा, फिगर आपको दे रखी है, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर नहीं बनानी पड़ेगी आपको, ओके, तो मैं रेड से आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी साइड किसके पैरेलल बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि DE पैरेलल टू AC, ये देखो, और दूसरा ये कह रहे हैं कि DF DF पैरेलल टू AE, ठीक है, क्लियर हो गए, इसको दूसरे कलर से करते हैं, चलो तो DF ब्लू से कर देते हैं पैरेलल टू AE, ठीक है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें दे रखा है, और हमसे ये कह रहे हैं कि भाई प्रूफ कर दो PF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, तो हमारे पास तो वही दो थ्योरम है, तो 6.1 या 6.2, अब क्योंकि पैरेलल दे रखा है तो 6.1 यूज होगी, है ना, तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखो पहला है DE पैरेलल टू AC, तो वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें AC आता है, तो वो ट्राइंगल हो जाएगा बच्चों इन ट्राइंगल A, A या A ना लिखे हम इसे लिखते हैं BAC, B A और C, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें AC पैरेलल टू DE दे रखा है, तो अब हमें लिखने में आसानी हो जाएगी कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू DE अपॉन EC, ठीक है, रीजन क्या है, रीजन वही है, ब्रैकेट में लिख देना क्या, बाय थ्योरम 6.1, ठीक है, ओके, आगे आगे, अच्छा इसको इक्वेशन वन बना देना, इसको इक्वेशन वन बना देना, ये वही इक्वेशन वन, इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल लिखना है इन ट्रायंगल, अच्छा इस बार वो ट्रायंगल लिखना है जिसमें ए ही आता है, तो ये हो जाएगा बी और ए और ई, और इसमें जब आप थ्योरम 6.1 यूज करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे बी डी अपॉन
डी ए इज इक्वल टू डी एफ अपॉन में एफ डी। तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और अब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या होगी, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू। यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो इक्वल है, ये भी बी डी अपॉन डी ए है और ये भी बी डी अपॉन डी ए है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई बी ई अपॉन बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए दे रखा है, और बी डी अपॉन डी ए क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो ये देखो हो गया प्रूफ, तो हैंस प्रूफ, ठीक है, ये लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट ही होगा, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, और चाहो तो इसे लिख देना, कोई नहीं ऐसा नहीं है, फिर इसे पलट के भी लिख देना, बिल्कुल डिक्टो कर देना, ओके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल डिक्टो ही रखना है तो डिक्टो कर देना, कौन रोकेगा आपका, एक स्टेप और लिख देना, ठीक है ना। इस वाले ये जो साइड है हमारी राइट वाली, इसको लेफ्ट कर देना और लेफ्ट वाली साइड को राइट कर देना, ठीक है, तो डिक्टो हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, देखो ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, बस ये है कि थोड़े से कई सारे ट्राइंगल बना के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है, और बस ये याद रखना है कि हमारे पास दो ही थ्योरम है ले लिखे, तो जब हमारे पास ले लिखे दो ही थ्योरम है तो हमने जो भी करना है उन्हें दो थ्योरम के साथ करना है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि डी पैरेलल टू ओके, तो डी ढूंढो, ये डी ही है, सॉरी दोबारा करना पड़ जाएगा, ओके ओके। तो सबसे पहले हमें डी दिखाना था मुझे आपको, ठीक है, तो ये हो गया डी ई, और डी ई पैरेलल टू ओके, तो डी ई पैरेलल टू ओके, ठीक है। तो एक तो ये आप देख लो फिगर को अच्छे से कि हम क्या कर रहे हैं, और दूसरा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो डी एफ का डी एफ इस साइड में, और ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ओ आर के, है ना, और शो करना है हमें ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो हमें शो करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ओहो मतलब मैं पैरेलल ही दे रखता हूँ, पैरेलल ही शो करना, यानी कि इस बार हम 6.1 भी यूज करने वाले हैं और 6.2 भी, ओके। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे वो जिसमें डी ई और ओ क्यू है, तो डी ई और ओ क्यू ट्राइंगल है पी ओ क्यू, तो शुरुआत होगी आपकी इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो इसमें आप लिखेंगे पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी क्यू, ठीक है, इसके रीजन में पता ही आपको क्या लिखना है ब्रैकेट में, बाई थ्योरम 6.1, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद आप वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें डी एफ और ओ आर है, तो ये ट्राइंगल होगा आपका इन ट्राइंगल पी ओ और आर, ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे कि पी डी
अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इसके आगे भी ब्रैकेट में वही लिखना है बाय चरम 6.2। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो वही स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, तो यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2, तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है यानी कि पी डी अपॉन डी ओ दोनों में इक्वल है, तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 यू कैन डायरेक्टली राइट पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही पी डी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है और पी एफ अपॉन ई एफ आर वो भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ हमें जो ट्राइंगल है पी क्यू आर यानी कि बड़ा ट्राइंगल, उसकी जो साइड्स हैं पी क्यू और पी आर, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखें। अब की बार हम कंसीडर कर रहे हैं पूरा बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो इस बड़े ट्राइंगल में ये बड़ा ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है और इसमें हमें दे रखा है पीई। ठीक है, तो पीई आपको नजर आई रही होगी, तो इसमें हमें दे रखा है पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी कि जो थ्योरम 6.2 है डायरेक्टली एप्लीकेबल है ना। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट डाल के कि यूजिंग यूजिंग थ्योरम थ्योरम 6.2 EF parallel to Q1, तो EF EF parallel to Q1, क्योंकि जो थ्योरम 6.2 है वो यही बताती है कि अगर किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है तो उस केस में जो ई एफ है वो क्यू आर के पहले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पहले होगा। आप क्लियर हो गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। मैं तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की भी देखो फिगर आपको दे रखी है, नीचे फिगर बनी हुई है और इसमें क्या है पढ़ते हैं एक बार। लिखा है इन फिगर 6.21, तो फिगर 6.21 तो आपको गिवन है ना। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू ए सी पैरेलल टू पी आर शो डेट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो करना क्या है, करना वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास ओनली 2 थ्योरम्स ऑप्शन है, तो या तो फर्स्ट थ्योरम यूज होगी या सेकेंड थ्योरम यूज होगी, और तो कुछ कर नहीं सकते हम, है ना।
चलिए पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और फिर ये करते हैं। तो सबसे पहले हमें वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें ए बी और पी क्यू है। ओके, तो ए बी और पी क्यू का मतलब ये हुआ, देखो लाइन लाइंस बता रहा हूँ, ये है ए बी है ना, और ये है पी क्यू, ये ए बी है और ये है पी क्यू। तो जो ट्राइंगल होगा वो हो जाएगा ओ पी क्यू, क्लियर? तो ओ पी क्यू हम यूज करेंगे इसमें। तो चलो ओ पी क्यू यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी और क्यू। तो क्योंकि ए बी पैरेलल टू पी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो बाई थ्योरम क्या होगा? बाई थ्योरम हो जाएगा ओ ए अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। रीजन में वही लिखेंगे आप, ठीक है? पता ना क्या लिखना है? बाई थ्योरम 6.1, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। दूसरा ट्राइंगल हम वो लेंगे जिसमें ए सी और पी आर है। तो वापस से देखो, रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ए सी यानी कि ये वाली साइड है और पी आर यानी कि ये वाली साइड है। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ओ पी आर। तो अब ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ठीक है? तो इस बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि भाई अपॉन ए पी, ठीक है? तो इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और इसके आगे हम लिख देते हैं, क्योंकि हम ओ पी आर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें ओ ए ये आ जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, तो ये आ जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। यहाँ भी रीजन वही रहेगा, तो ब्रैकेट में हमें वही लिखना है कि बाई थियरम 6.1, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं। और इसके बाद वापस से एक स्टेटमेंट लिखनी है, तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यूजिंग यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, ठीक है? 1 एंड 2, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप डायरेक्टली देखो देख सकते हैं कि इसके जो लेफ्ट वाली पोर्शंस हैं वो इक्वल है, यानी कि ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी। उसका मतलब ये होता है कि इनके राइट वाले पोर्शन भी इक्वल होंगे। तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ओ बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है? इसीलिए हम वो लिखते हैं कि भाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये हम इक्वेशन 1 और 2 के बेसिस पे लिख रहे हैं, तो इससे हमने लिखा है, ठीक है? अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, यूजिंग थ्योरम 6.2, क्योंकि अब हमारी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ गई है। कौन से ट्रायंगल के लिए? देखो एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारी जो साइड्स हैं वो हैं ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है? तो हम देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो, ओ बी यानी कि ये दिस इज ओ बी, और बी क्यू यानी कि दिस, राइट? ओ सी यानी कि दिस, और सी आर यानी कि दिस, ठीक है? तो ये साइड्स हमारी ऑलरेडी प्रोपोर्शन है। कौन सा ट्रायंगल है ये? ओ क्यू आर, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं इस पे?
इस बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी साइड होगी ये पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखिए यूजिंग इक्वेशन, इक्वेशन नहीं थ्योरम, यूजिंग इक्वेशन थ्योरम एक्सपेंडेड। तो यूजिंग थ्योरम इट्स पॉइंट टू बी सी पैरेलल टू क्यू आर, तो इट कैन बी रिटन डायरेक्टली, तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, और क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है या तो बच्चों ऐसा करते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। ठीक है, तो तब तक आप ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से बाकी के क्वेश्चन करना, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच।